नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में भी शराब की कीमतें योगी सरकार ने बढ़ा दी। लॉकडाउन 3 में जब दिल्ली में शराब की कीमतें बढ़ाई गई तो लगातार यह सवाल उठ रहा था कि जो सरकार कह रही थी कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने शराब के दाम क्यों बढ़ाए, तो वहीं अब लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा था कि शराब की दुकानें यूपी में नहीं खोलनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ यूपी के शराब दुकानों पर देखने को मिली थी उससे यही लगता था कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं कर रहा। लेकिन योगी सरकार की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है और बड़ा फैसला लेते हुए यूपी में अब शराब को महंगी कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से करीब 2070 करोड़ रुपए का अतिरिक्त रेवेन्यू आने की उम्मीद की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया है कि यूपी में शराब के दाम अब बढ़ गए हैं। यह कीमत लगभग 180 रुपए से लेकर 500 रुपए तक बढ़ाई गई है। यह एक अतिरिक्त टैक्स के तौर पर लगेगा। जो फैसला लिया गया है उसके मुताबिक विदेशी शराब प्रीमियम क्वालिटी की 180 ml तक की शराब पर 100 रुपये कीमत बढ़ाई गई है, 500 ml तक की शराब पर 200 रुपये की कीमत बढ़ाई गई है और 500 ml से अधिक 400 रुपये महंगी करने का फैसला लिया गया है। वहीं विदेशी शराब रेगुलर पर 180 ml तक पर 20 रुपये, 500 ml तक पर 30 रुपये और 500 ml से अधिक पर 50 रुपये ज़्यादा पे करने होंगे। इतना ही नहीं, यूपी में अब देशी शराब भी महंगी होने वाली है। सरकार के फैसले के मुताबिक विदेशी शराब इकोनॉमी अब 180 ml तक 10 रुपये, 500 ml तक 20 रुपये और 500 ml से अधिक तक 30 रुपये महंगी हो जाएगी। वहीं पर जो देशी शराब है उसके लिए अब हर बोतल पर 5 रुपये एक्स्ट्रा सेस के तौर पर देना होगा। कैबिनेट की मीटिंग में इस बात पर लगातार चर्चा चल रही थी कि क्या लॉकडाउन के दौरान, जो लॉकडाउन 3 है उसमें जो शराब की दुकानें खोली गई हैं, क्या रेवेन्यू के लिए इसे बढ़ा दिया जाए। तो उसमें यह भी तर्क दिया गया कि इस लॉकडाउन के दौरान यूपी में लगातार अलग अलग जिलों से अवैध शराब बनने की खबर आ रही थी, जिसकी वजह से भी यह फैसला लिया गया। और अब जब शराब की कीमत बढ़ गई है तो अब देखना यह है कि क्या यूपी सरकार के रेवेन्यू में इजाफा होता है या बढ़ी हुई कीमत होने के बाद लोग अब शराब की दुकानों पर कम जाएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि यूपी में भी शराब की कीमतें बढ़ा दी गई है। इससे पहले ये फैसला दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने लिया था।